हेलो, वेरी गुड आफ्टरनून एंड वेरी वार्म वेलकम टू एवरी वन ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से लिंकिंग लॉज के इस लाइव स्ट्रीम में विद अ न्यू फ्रेश एनर्जी एंड द एंथुसियाज्म। आई वेलकम यू ऑल अगेन बैक टू दिस लाइव स्ट्रीम। एंड आज हम जो है बहुत ही स्पेसिफिक पार्ट जीके जीएस और करंट अफेयर्स के हिसाब से बात करने वाले हैं। द प्रीवियस पेपर एनालिसिस जो ऑलमोस्ट हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है, उसी के अंदर कुछ क्वेश्चन जो बाकी रहे तो वो डिस्कस करेंगे। जीके है, जीएस है, करंट अफेयर है, तीनों पॉइंट और फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट के साथ में आज की इस क्लास को हम आगे बढ़ाने वाले हैं। तो जल्दी से बता देंगे एक बार कि यस ऑडियो वीडियो बोथ क्लियर, सो दैट आई हैव लिबर्टी टू मूव अहेड इन द क्लास लेडीज एंड जेंटलमैन, एवरी वन ऑफ यू आई वुड जस्ट रिक्वेस्ट यू टू प्लीज डू comment so that I have an idea. Fair enough. All right, as I can see that many of you are already joined. Yes, as I can see every one of you, your comments are over here. Cool. So we are going to start the class over here. Fair enough. Very, very warm welcome. Very good afternoon. All right. Chaliye. तो दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करने से पहले आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट अ फ्यू थिंग्स। एंड व्हाट इज स्पेशल अबाउट टुडेज क्लास इज द स्पेशल क्लास दैट वी आर गोइंग टू टेक, विच इज गोइंग टू बी द इन कनेक्शन विद द सेम। देखिए, आज की क्लास जो है अभी 1 बजे चल रही है और इसका सेकेंड पार्ट मतलब कंटिन्यूटी में जो है आपका 2:30 PM मतलब लंच टाइम तक आपकी दूसरी क्लास होने वाली है। इसी का ही सेकेंड पार्ट होगा जहाँ पे हम बेसिकली जो है यूपी, बिहार और दिल्ली जुडिशरी और कई ऐसे स्टेट जैसे कि गुजरात है, एमपी हैं, जहाँ के जुडिशियल और एपीओ सर्विसेज के अंदर जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चंस को यहाँ पे सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं बहुत ही सिंपल और ल्यूसिड लैंग्वेज के अंदर। चलिए आइए आज की क्लास को दोस्तों शुरू करते हैं। ठीक है, ऑलराइट, मूविंग फॉरवर्ड। आई एम योर प्लस वेरीफाइड एजुकेटर जगदीश चंद्र जांगिड एंड आई विल मेक श्योर कि आप जीके जीएस को बहुत ही अच्छे से सरल भाषा में, सहज भाषा में, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में सीखें और उसकी उपयोगिता आपके परीक्षा के अंदर भी सिद्ध हो पाए। राइट, तो आज की क्लास को शुरू करने से पहले आई वुड लाइक टू गिव माई थैंक्स एंड क्रेडिट टू ऑल ऑफ द जर्नलिस्टिक सोर्सेज, जितने भी जर्नलिस्टिक सोर्सेज हैं ऑनलाइन, ऑफलाइन, प्रिंट एंड डिजिटल, एंड हार्टफेल्ट थैंक्स एंड क्रेडिट टू ऑल ऑफ देम। एंड हियर्स अ डिस्क्लेमर फॉर द सेम एवरी वन ऑफ यू। देखिए, क्लास के अंदर 5 पार्ट हैं एंड यू ऑल मस्ट बी नोइंग दैट द सिलेबस इज मस्ट थिंग। अगर अभी तक आपने सिलेबस नहीं देखा है तो प्लीज सिलेबस को जरूर देखिए एक बार, अपने पास्ट ईयर पेपर्स की एनालिसिस जरूर करके दीजिए एक बार यहाँ पे, और न्यूज़पेपर्स को अपने लाइफ का हिस्सा बनाइए। कहीं ना कहीं जो है जो डेली टूडे जो डे टू डे बेसिस के ऊपर जो करंट अफेयर्स हैं या उसकी एनालिसिस हैं, वह आपकी लॉरशिप को कहीं ना कहीं जो है आपकी प्रैक्टिस को भी और सुधारेगी और निखारेगी और आपकी अवेयरनेस को जो है परीक्षा के दृष्टिकोण से भी जो है एक फायदा पहुंचने वाला है। एमसीक्यू प्रैक्टिस जो है हम करने वाले हैं 2:30 बजे लगभग, 2:30 PM आपकी यह क्लास होने वाली है। अच्छा, और इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे रखा है, आज की क्लास में डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे रखा है मैंने स्पेशल क्लास का। ठीक है, विद इस 10 कोड को यूज करके 2:30 बजे वाली आप क्लास में भी आ पाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बात करते हैं। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरी वन ऑफ यू, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। चलिए, द नंबर वन क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू फ्रॉम द ज्योग्राफी सेगमेंट दैट वी आर ट्राइंग टू कवर ओवर हियर इज द ओल्डेस्ट माउंटेन इन इंडिया। भारत में सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन कौन सी है, अरावली, नीलगिरी, सतपुरा अथवा विंध्याचल। देखिए, इसके अंदर ओल्डेस्ट का क्या मतलब हुआ, जैसे हिमालयस है, दे आर द न्यू फोल्ड माउंटेन्स। हिमालयस क्या है आपके पास में, टीथियस सी का बेसिकली एशियन प्लेट के बीच में फोल्ड क्रिएट होने से जो माउंटेन्स बनी है, तो जो पुरानी माउंटेन्स होगी उसके अंदर जो वलय होगा वह ज़्यादा हायर होगा और जो ओल्डर माउंटेन है उसकी हाइट जो है वो छोटी होगी। तो इंडिया, हमारा जो सबकॉन्टिनेंट है, पूरे सबकॉन्टिनेंट में जो अरावली पर्वत श्रृंखला है, अरावली जो रेंजेस है स्पेसिफिकली इन राजस्थान है ना, यह सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन है भारत में। सबसे पुराने पर्वत के रूप में अगर कोई जाना जाता है दोस्तों, तो वह हमारी क्या होने वाली है, अरावली होने वाली है, ना कि विंध्याचल। प्लीज अपने आप को यहाँ पे करेक्ट करते हुए जरूर चलिएगा। और इसके अलावा मैं आपको जो पॉइंट बताना चाहता हूँ कि ओल्डेस्ट माउंटेन रेंजेस में है भारत की है अरावली है, ठीक है ना, और इट इज ऑल्सो द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड। खाली भारत में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में भी सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन रेंजेस में से एक यह अरावली पर्वत श्रृंखला मानी जाती है। अच्छा, इसकी जो है रेंज कितनी है लगभग आपके पास में, रेंज का मतलब हो गया चौड़ाई, जो ये पर्वत की जो चौड़ाई है बेसिकली, मतलब ये जो रेंज है आपके पास में, यह रेंज आपके पास में 10 किलोमीटर से लेकर के 100 किलोमीटर के बीच में देखी जा सकती है। तो यहां पे लोकल लैंग्वेज में अरावली ट्रांसलेट्स थ्रू द लाइन ऑफ
पीक है ना, तो शिखरों की रेखा, अरावली को क्या कहा जाता है, शिखरों की रेखा भी कहा जाता है। एंड द स्पैन से टोटल लेंथ ऑफ द 800 किलोमीटर, लगभग ये दिल्ली से शुरू हो जाती है दोस्तों। कहां से शुरू हो जाती है, दिल्ली से, हरियाणा से और राजस्थान और गुजरात। तो अरावली पर्वत श्रृंखला चार स्टेट से होकर के निकलती है। एक ही क्वेश्चन में कहीं ना कहीं शत्रुघ्न जी, रिंकी जी, पूनम जी, दिव्या जी, हम यहां पर क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, एक क्वेश्चन उठाएंगे उससे रिलेटेड तीन चार न्यूज साथ साथ में लेकर चलेंगे। इतनी गहराई में भी नहीं जाना है कि कहीं ना कहीं वह हम आईएएस या पीसीएस की कैटेगरी में बात करें, हम यहां पे बात कर रहे हैं जुडिशरी कैटेगरी, भारत की सबसे पुरानी है ना। मैंने क्या कहा आपका, जुडिशरी में कैसे क्वेश्चन आएंगे, द फर्स्ट, द लास्ट, द लेटेस्ट, इस तरीके के प्रश्नों का नेचर रहने वाला है। तो यहां पे आपको यह चीज पता होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बात करते हैं। तो यहां पे देख सकते हैं, ये है हमारी हिमालयन पर्वत श्रृंखला। हिमालयन पर्वत श्रृंखला सबसे न्यूएस्ट है। ये क्या है, सबसे न्यूएस्ट, सबसे नई, जितने भी पर्वत है ना हमारे पास में भारत में, सबसे नए पर्वत कौन से है, सबसे नए पर्वत सबसे ऊंचे पर्वत होंगे, क्योंकि जो पुराने हैं वह तो घिस के, इरोजन के थ्रू बेसिकली क्या हो चुके हैं, उनकी हाइट कम हो चुकी है, जैसे कि हमारा अरावली, ठीक है ना। तो ये थार डेजर्ट के पास में, यहां दिल्ली से शुरू होता है और यहां गुजरात तक खत्म होता है अरावली पर्वत श्रृंखला। जैसे कि अभी एक स्टूडेंट ने यहां पे कमेंट पे लिखा विंध्याज, विंध्याज हमारे सेंट्रल इंडिया के अंदर है, विंध्याज, सतपुरा है ना, और उसके बीच में से नर्मदा वैली है, ये भी पता होना चाहिए। ये वेस्टर्न घाट्स के आसपास में है, भी कुछ माउंटेन्स है, ईस्टर्न घाट्स के आसपास में भी कुछ माउंटेन, और बीच में ये आता है आपका डेक्कन ट्रैप। देखिए, अब आप कहेंगे सर ये सारी की सारी चीजें एमसीक्यू की फॉर्मेट में है इसलिए थोड़ा जल्दी है। अगर आप यह चीज प्लस क्लास के अंदर पढ़ रहे हैं तो बहुत ही अच्छे से आपके ज्योग्राफिकल एरियाज को वहां पे कवर किया जा रहा है, ठीक है दोस्तों। राइट, तो मकराना मार्बल क्वेरीज लाइज वेयर, तो मकराना संगमरमर की खदानें कहां स्थित है। देखिए, मकराना स्पेसिफिकली एक एरिया है, कहां पे सिचुएटेड है आपके, बिहार, गुजरात, एमपी या राजस्थान, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों यहां पे मकराना है आपके राजस्थान में, इट इज सिचुएटेड इन द राजस्थान, ठीक है ना। तो राजस्थान के अंदर है मकराना, और मकराना के अंदर संगमरमर, मकराना में संगमरमर मार्बल्स की खदानें पाई जाती हैं। दैट पॉइंट हैज टू बी नोटेड एंड इट हैज टू बी कैप्ट इन माइंड, ठीक है दोस्तों। तो मकराना एक लार्ज टाउन है, कहां पे, राजस्थान के नागौर जिले के अंदर। लगभग 56 मिलियन टन के मार्बल जो हैं यहां पे मिलेंगे आपके पास में। 40,000 मजदूर दिन रात काम कर रहे हैं, 900 से ज्यादा यहां पे खदानें मिल जाएगी आपको, ठीक है ना। और अच्छा, ये खदानें कहां हैं, अभी हमने पढ़ा ना, भारत की सबसे नई, वर्ल्ड की भी सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली, इसी अरावली रेंजेस के अंदर ही ये मकराना मिलता है। मकराना इज द मेन सेंटर ऑफ द मार्बल इन द राजस्थान, है ना। मकराना राजस्थान में मार्बल का सबसे मेन सेंटर है। सो यहां पे कैल्साइटिक इन द नेचर, और मकराना मार्बल इज रिगार्डेड एज द ओल्डेस्ट एंड द फाइनेस्ट इन द क्वालिटी। तो जितने भी मार्बल्स मिलते हैं ना थ्रू आउट इंडिया, उसमें मकराना का परमत जो पत्थर है वो सबसे ज्यादा पुराना माना जाता है, और ज्यादा श्रेष्ठतर क्वालिटी में यह मकराना का जो पत्थर है वह माना जाएगा, ठीक है। तो आप यहां पे देख सकेंगे आपके पास में मकराना इज अ प्लेस इन नागौर राजस्थान अरावली, ठीक है ना, जो बेसिकली यहां पे अजमेर, ये किशनगढ़ वाला एरिया हो गया आपके पास में। ये फॉल्ट लाइन जो पाई जाती है, इस फॉल्ट लाइन के आसपास में यह मिलेगा। ये अरावली वाला रीजन है ना, ये पूरा का पूरा रीजन जो है आपके पास में, यह किसके लिए जाना जाता है, स्टोन्स के लिए, मार्बल्स के लिए जाना जाता है। एंड स्पेसिफिकली मकराना नागौर वाला रीजन किसके लिए जाना जाता है, ये जो आपके पास मकराना मार्बल्स है उसके लिए जाना जाएगा। तो यह काफी सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं मेरे दोस्तों, आपको पता रखना है हमेशा इनके बारे में। आइए आगे बढ़ते हैं। यहां पर हम इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक लोकोमोटिव की बात करें, दे आर मैन्युफैक्चर्ड वेयर, कहां पर बनाई जाती है इलेक्ट्रॉनिक लोकोमोटिव, है ना। तो यहां पर कहीं कहीं ऑटोमोबाइल्स की यहां पर बात की जा रही है, क्या यहां पर पेरम्बूर में, चितरंजनी में और वाराणसी में या पटियाला में, कहां पे इनका निर्माण होता है, यह इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपने एक एरिया का नाम रखना है कि जितने भी आपके इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स बनते हैं वो सारे के सारे बनते हैं चितरंजनी में, कहां पे, चितरंजन के अंदर। तो यह एक प्लेस का नाम है आपके पास में, ठीक है ना। सो इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव जो भी आपके पास में है, इलेक्ट्रिसिटी से जो भी आपके पास में रेल चलती है, द थर्ड रेल और द बोर्ड एनर्जी स्टोरेज मच बैटरी ऑफ द सुपर कैपेसिटर। तो इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव आर यूज्ड इन द फ्राइट रूट, तो जितने भी आपके पास में मालवाहक गाड़ियां होती है ना उसके अंदर कहीं कहीं ये इलेक्ट्रिक जो है ये सिस्टम यूज किया जाता है, लोकोमोटिव यूज किया जाता है हाई ट्रैफिक एरियाज के अंदर, एडवांस रेल नेटवर्क में भी इसको यूज किया जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सी लोकेशन रहने वाली है, ये याद रख सकते हैं। जो देख सकते हैं ऊपर जो इलेक्ट्रिसिटी के वायर निकल रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी से वायर निकल रहे हैं यहां से, देखिए ये जो ट्रेन का कनेक्शन है कहीं कहीं, तो इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव चितरंजन में बनाए जाते हैं। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, आपके भाई का भी नाम है बहुत ही बढ़िया, तो आराम से याद होगा आपको फिर वो।
ठीक है ना। द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द रबर, भारत में सबसे ज्यादा रबड़ कहाँ प्रोड्यूस होता है? देखिए रबड़ के प्रोडक्शन से रिलेटेड अभी ट्रांसजेनिक क्रॉप के रिलेटेड भी रबड़ के अंदर कहीं ना कहीं बात आई थी, है ना। तब हमने ये भी पढ़ा था कि ट्रांसजेनिक क्रॉप तो यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट के अंदर प्रोड्यूस होने वाली, परंतु रबड़ का प्रोडक्शन और रबड़ से बोर्ड से रिलेटेड जो बातें हैं हम साउथ इंडिया में केरला में करते हैं। सो द स्टेट ऑफ केरला स्पेसिफिकली हैज द हाइएस्ट प्रोडक्शन ऑफ द रबड़, हाइएस्ट प्रोडक्शन ऑफ रबड़, है ना। और इसमें जो है थाईलैंड वर्ल्ड के अंदर जो है वो सबसे ज्यादा माना जाता है नेचुरल रबड़ के लिए, ठीक है ना। और उसके बाद में आपके पास में इंडोनेशिया, और अगर भारत में अगर हम बात करेंगे, भारत में अगर बात करेंगे तो केरला जो है नंबर वन आएगा, वर्ल्ड में बात करेंगे तो थाईलैंड नंबर वन आएगा। तो यह हर चीज में श्रेष्ठ कौन है, भारत का और विश्व का, यह दो चीजें अगर आप ध्यान रखते हैं हर चीज को पढ़ते वक्त, जैसे सपोज आपके इस्पात के अंदर पढ़ सकते हैं, कोयला उत्पादन में पढ़ सकते हैं, ठीक है ना, सौर ऊर्जा में पढ़ सकते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी में पढ़ सकते हैं, हर चीज के अंदर यह वस्तुतः प्रश्नों का नेचर प्रकृति कुछ इसी प्रकार रहने वाली है, ठीक है ना। ठीक है, ठीक है दोस्तों, यह याद रख सकते हैं। तो नेचुरल रबर वर्ल्ड वाइड जो है सबसे ज्यादा प्रोडक्शन थाईलैंड में होता है और उसके पश्चात होता है आपके इंडोनेशिया के अंदर। आगे बढ़ते हैं, भारत के अंदर जो है केरला, केरला के बाद में आपके पास में नॉर्थ ईस्ट का भी कुछ बेल्ट है जहां पे ये रबड़ का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। रबड़ है क्या, बेसिकली एक जो पेड़ की छाल से निकलने वाला लेटेक्स है, है ना। और ये लेटेक्स बेसिकली लेकर के इस तरीके से टॉडी टैपर्स होते हैं, इसको अंदर गिराते हैं और ये यहां पे इकट्ठा होता है। फिर हमने पढ़ा था कि ये जो रॉ रबड़ होता है ये बेसिकली है कि हाइड्रोकार्बन वगैरह इसमें कुछ होते हैं, लेटेक्स एक तरीके से केमिकल होता है, इसके अंदर हम सल्फर ऐड करते हैं, सल्फर को हमने ऐड किया था, उसको हमने कहा था वल्केनाइजेशन। क्या पढ़ा था हमने, वल्केनाइजेशन। गौतम जी क्या पढ़ा था हमने, वल्केनाइजेशन। क्या पढ़ा था हमने कि सल्फर को गंधक को ऐड करने से क्या होगा, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, एजिलिटी बढ़ेगी, ये रबड़ जो है ज्यादा फ्लेक्सिबल हो जाएगा, ठीक है, यह भी पढ़ाया था मैंने। तो केरला जो है हमारा नंबर वन है। अच्छा, केरला के बाद में जो ये पर्टिकुलर ये नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया रहेगा, ये नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया के अंदर भी कुछ एरियाज में रबड़ उगाया जाता है। और अभी हाल ही में आपको पता होना चाहिए कि असम एक ऐसा एरिया उभर के आ रहा है जहां पे ट्रांसजेनिक रबड़ उगाया जा रहा है, उसकी क्रॉपिंग की जा रही है। क्या यह पॉइंट क्लियर है, तो वी विल मूव अहेड। निम्नलिखित में से क्या, निम्नलिखित राज्यों में से किस एक ने 1991 से लेकर 2000 तक, 1991 से 2001 तक जनसंख्या में सबसे कम वृद्धि दर का अनुभव किया है? देखिए सबसे कम रेट ऑफ ग्रोथ मतलब पॉपुलेशन सबसे कम, या आंध्रा केरला या तमिलनाडु, नो सर, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे गोवा की। गोवा जो है यहाँ पे 2001 से 1991 के बीच में यहाँ पे सबसे कम जो है वृद्धि दर रजिस्टर करता है, ये फैक्ट है, ये फैक्ट। अच्छा, ये कहाँ से मिलने वाला है आपको, ये फैक्ट्स आपको मिलने वाले हैं न्यूज़पेपर से। कहाँ से मिलने वाले, न्यूज़पेपर से। क्या अभी सेंसस रिसेंटली न्यूज में थी? हाँ सर। तो जब सेंसस न्यूज में है तो उससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे और वह प्रश्नों का जो नेचर है कहीं ना कहीं आपको याद रखना होगा। अगर हम क्लियर हैं तो गिव मी अ थम्स अप ऑन दैट कि यस सर, हम बकायदा सेंसस और सेंसस से रिलेटेड डेटा और उसके ऊपर एक मैं पर्टिकुलर सेशन भी लेके आऊंगा जो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सर, पोखरण इज सिचुएटेड वेयर, हमने देखा था कि पोखरण के अंदर हमारा बेसिकली क्या होता है, न्यूक्लियर वेपन्स का टेस्ट होता है। तो जल्दी से आप बताने वाले हैं कि पोखरण की स्थिति कहां है, गुजरात, एमपी, राजस्थान या महाराष्ट्र में, कहां पे है पोखरण की स्थिति, राइट। तो आपको पता होना चाहिए पोखरण जो है वह राजस्थान में स्थित है। कहां स्थित है सर, राजस्थान में स्थित है पोखरण, ठीक है ना। तो पोखरण एक विलेज का नाम, एक म्युनिसिपैलिटी है, कहां पे है, राजस्थान के पर्टिकुलर जैसलमेर के अंदर है। कहां है सर, जैसलमेर के अंदर है, यह याद रख सकते हैं। थार डेजर्ट पड़ा है अपन ने, थार मरुस्थल पड़ा है आपके पास में, है ना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो आपके अंडरग्राउंड न्यूक्लियर वेपन्स बैलिस्टिक मिसाइल्स का हमने टेस्ट किया था वो यही पोखरण से ही किया था। तो पोखरण मानचित्र पे कहां है, कहीं ना कहीं आपके नॉलेज में बना रहना चाहिए। तो पोखरण देखिए, ये लोकेशन कहीं ना कहीं आपने एक मूवी में भी देखी होगी, कहीं ना कहीं ये ऐसी लोकेशन मूवी में भी देखी होगी कि अंडरग्राउंड जाते हैं, वहां पे पूरी की पूरी टेस्टिंग वगैरह होती है। रिमोट लोकेशन है थार डेजर्ट के अंदर, है ना, एक ऐसी साइट जहां पे पहला अंडरग्राउंड न्यूक्लियर वेपन बैलिस्टिक मिसाइल्स का टेस्ट किया गया था। याद रख लेंगे, जैसलमेर पोखरण। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच, कोटा क्या महाराष्ट्र में है, नरोरा क्या बिहार में है, तारापुर क्या राजस्थान में, और कलकप्पम क्या तमिलनाडु के अंदर है। तो यहां पे आपको यह बताना है कि कौन सा प्लेस, कहीं ना कहीं ये सारे के सारे क्या हैं,
कोटा में रावतभाटा है, नरोरा थर्मल पावर प्लांट है ना, तारापुर के अंदर भी आपके पास में पावर प्लांट है, कलकम्बम में न्यूक्लियर पावर प्लांट है। तो यहाँ पे जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है वो कहाँ कहाँ पे, किस राज्य में है, यहाँ पे लोकेशंस तो दे दी, अब राज्यों से मिसमैच करा दिया। किससे मिसमैच करा दिया? राज्यों से मिसमैच करा दिया। तो यहां पे पूछ रहा है कि करेक्ट मैच कौन सा है, कोटा क्या महाराष्ट्र में? नहीं, राजस्थान में। हमने सबने पढ़ा है ना, अन अकेडमी की जो स्ट्रीम पढ़ी थी वो कोटा, कोटा फैक्ट्री पढ़ा था अपन ने, कोटा फैक्ट्री पढ़ा था ना, कोटा कहाँ है? राजस्थान के अंदर है, ठीक है ना। फिर तारापुर राजस्थान के अंदर है, नो सर। नरोरा बिहार में है, नो सर। पर क्या कलकप्पम ये जो एनर्जी प्लांट है क्या ये तमिलनाडु में है? यस सर। तो यह एक मैच है जो करेक्टली आता है आपके पास में, तो इनकी लोकेशंस हैं कहीं ना कहीं हमको पढ़नी होगी। कलकप्पम कहाँ है आपके पास में? तमिलनाडु के अंदर है। तमिलनाडु के अंदर कलकप्पम है आपके पास में, कहीं ना कहीं आपने सुना है। देखिए अगर आपने इंडिया का मैप देखा हो दोस्तों, तो ये कुछ इस तरीके से बनता है साउथ इंडिया, ये आपका तमिलनाडु वाला एरिया हो गया। तो यहां पर कहीं ना कहीं इस कोस्ट को हमने क्या कहा था, क्या कहा था? कोरोमंडल कोस्ट। क्या कहा था? कोरोमंडल कोस्ट। इस कोरोमंडल कोस्ट के आसपास में कहीं ना कहीं क्या है, ये कलकप्पम की जगह दिखेगी। कहा ना आपके पास में कलकप्पम क्या है, 2 से 3 गांवों का कॉग्लोमरेट, एक टाउनशिप यहां पे डेवलप की गई है ना। तो यह थोड़ा सा अपन याद रख सकते हैं। पौंडीचेरी पता है, पौंडीचेरी तमिलनाडु के पास में एक यूनियन टेरिटरी भी है अंदर छोटा सा। तो यह कोस्टल और ह्यूमिड टाउन है कलकप्पम, और यहां पर न्यूक्लियर पावर प्लांट भी है, ठीक है, यह याद रख लेंगे अपन, ठीक है। नेम से समझ आ रहा है कलकप्पम इन द तमिलनाडु, चलो ये भी अच्छा है, ठीक है ना। तो इसके बारे में हमने समझा, तो कलकप्पम यहाँ पे यह लोकेटेड है कलपक्कम, ठीक है ना, तमिलनाडु के अंदर। थोड़ा सा बेसिक नॉलेज है आपको, याद रखना है कौन सा लोकेशन कहाँ पे, ठीक है। सो विच ऑफ द नॉर्थ सिट स्टार्टिंग फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ, विच ऑफ द करेक्ट सिक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग सी पोर्ट। तो जितने भी हमारे समुद्री बंदरगाह हैं उसको नॉर्थ से लेकर के साउथ के क्रम में लगाना है आपको। तो यहाँ पे पूछ रहा है चेन्नई, टूटीकोरिन, विशाखापट्टनम, पैरादीप। तो 4 पोर्ट्स की लोकेशन दी गई है। तो सबसे ऊपर क्या होगा आपके पास में इसमें, क्या होगा आपके पास में इसमें, सबसे ऊपर क्या होने वाला है, जल्दी से सोचिए और बताइए दोस्तों। यस, विशाखापट्टनम का है, चेन्नई का है, टूटीकोरिन का है, पैरादीप का है, ये तो नहीं पता, कोई बात नहीं। तो मैं बता देता हूं आपको, यह सीक्वेंस आपकी मैप ऑब्जर्वेशन बेस्ड है। क्या मैंने आप सभी को कहा है प्लीज बाय ए ऑक्सफोर्ड, प्लीज बाय ए ऑक्सफोर्ड एटलस, जल्दी से आज शाम को, शाम को क्लास खत्म होने के बाद बाहर निकलोगे, 5 से 6 बजे प्लस क्लास है आज, याद बता दूं। तो जब क्लास खत्म होने के बाद में बाहर निकलो तो एक काम जरूर कर लेना, वहां जाकर के एटलस खरीद लेना स्टेशनरी शॉप से, है ना। और कम से कम इंडिया के मैप खरीदना 5-10, जो आपके पास में आउटलाइन वाले मैप आते हैं जो हम पेंसिल से भरेंगे, है ना। और वर्ल्ड के भी मैप खरीदना 5-10, है ना। 1 रुपया 8 आने का एक मैप मिलता है ना। तो 5 रुपये 5 रुपये में दोनों चीज़ अपने 10 रुपये में काम हो जाएगा, एटलस आ जाएगी 100-150 रुपये की। नॉर्मल एटलस कोई भी खरीद लो जिसमें कॉन्टिनेंट दे रखा हो, वो इंडिया का मैप दे रखा हो, है ना, लेटेस्ट लेके आना पर, ठीक है। पुरानी मत उठा लेना, कोई कजिन से उठा करके तेरी खाली पड़ी है तो दे दे, है ना। 100-200 रुपये खर्च कर लेना आज की तारीख में। आपके लिए ज्योग्राफी को थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, एक स्पेसिफिक मैप के थ्रू भी हम ज्योग्राफी के सेशंस रखेंगे, जिसके अंदर हम 20-20 मिनट्स के सेशंस के अंदर आपको स्पेसिफिक एग्जाम के दृष्टिकोण से सारी न्यूज बताई जाएगी। अगर यह चीज समझ में आए तो जरूर बताना आप। तो यहां पे पैरादीप नॉर्थ में, उसके साउथ में विशाखापट्टनम, फिर चेन्नई, और सबसे साउथ में टूटीकोरिन पोर्ट आने वाला है। पैरादीप कहाँ है? पैरादीप है आपके पास में उड़ीसा में। अगर आपको ये चीज़ पढ़ा होता कि सर पैरादीप पोर्ट उड़ीसा के अंदर है, विशाखापट्टनम पोर्ट जो है आंध्र प्रदेश के अंदर है, और यहाँ चेन्नई के अंदर आपके पास में ये दूसरा वाला पोर्ट होने वाला है चेन्नई पोर्ट, और टूटीकोरिन पोर्ट है वो एकदम साउथ में है आपके पास में, एकदम साउथ में आपके पास में। तो सर अगर ये सिक्वेंस आपने मैप कर रखा हो, अगर मैप कर रखा हो तो क्या ये टफ है? नहीं है टफ। आपको ये टफ क्यों लगा? ये टफ इसलिए लगा कि हमने कभी मैपिंग जो है 9वीं 10वीं के बाद में छोड़ दी, लॉ के फील्ड में है, पर प्रश्न यहां पूछे गए हैं, क्योंकि यह प्रश्न मेरे दोस्तों आपके प्रीवियस ईयर पेपर का है। यहां पे मैं कोई मनगढ़ंत बातें नहीं कर रहा हूं आपके सामने। अगर यह चीजें क्लियर हुई हैं तो हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो हमारे इंपॉर्टेंट मेजर पोर्ट्स जो है इंडिया के, या मेजर, अच्छा यहां पे पोर्ट पूछ लिया, कल की तारीख में और भी कोई चीज हो सकता है, जैसे कि कोई पर्टिकुलर टाउन्स का नाम दे दिया, अभी तो पोर्ट का नाम पूछा गया। यहां पे क्या पूछने की कोशिश कर रहा है, यहां पे ये क्या पूछने की, सर आपको सीक्वेंस पता होनी चाहिए नॉर्थ से साउथ की ओर, नॉर्थ से साउथ की ओर सीक्वेंस पता होनी चाहिए। परंतु कल की तारीख में दूसरा पॉइंट पूछ सकता है, कोई सिटी का सेंटर पूछ सकता है, जैसे यहां पे हैदराबाद पूछ लिया, फिर यहां पे कर्नाटका का बेंगलोर पूछ लिया आपके पास में, यहां पे औरंगाबाद पूछ लिया आपके पास में, ठीक है ना। अब ये पूछ लेगा कि कौन सा नॉर्थ है और कौन सा साउथ है। तो एग्जैक्टली आपको यहाँ पे जो रूट्स हैं, नेशनल हाईवेज हैं, वाटरवेज हैं, थोड़ा बहुत पता कर लो,
छोटे से ऑब्जर्वेशन के थ्रू ये चीजें क्लियर हो सकती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसरो का जो सैटेलाइट सेंटर है वो कहाँ पे लोकेटेड है? इसरो का सैटेलाइट उपग्रह केंद्र है वो कहाँ है? तिरुवनंतपुरम, अहमदाबाद, बेंगलोर और श्रीहरिकोटा। देखिए, इसके बारे में तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम पहले से जानते हैं कि कहीं ना कहीं इसरो ऑपरेट तो कहाँ से कर रहा है? सर, इसरो ऑपरेट तो कर रहा है यहाँ पे यह लगभग कन्याकुमारी के पास में, सॉरी त्रिवेंद्रम के पास में, ठीक है ना। मैन इसका ऑफिस तो वहां पे, परंतु जो इसके सैटेलाइट का ऑब्जर्वेशन की बात करें तो यह यहां बेंगलोर से ऑपरेट करता है। कहां से ऑपरेट करता है सर? बेंगलोर से ऑपरेट करता है। श्रीहरिकोटा की अगर बात कर दोगे, यह आपके पास में प्रक्षेपण के लिए लॉन्च साइट है मेरे भाई। क्या है ये? लॉन्च साइट है ये मेरे भाई। तो यह चीज भी ध्यान रख लेंगे हम लोग, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम इट यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि बेंगलोर के अंदर जो सैटेलाइट सेंटर है उसका पूरा नाम है यूआर राव सैटेलाइट सेंटर, बेंगलोर के अंदर है। इसको पहले इसरो सैटेलाइट सेंटर के नाम से भी जाना जाता है। ये लीड सेंटर है फॉर बिल्डिंग द सैटेलाइट्स एंड डेवलपिंग एसोसिएटेड टेक्नोलॉजी, है ना। सैटेलाइट्स को बिल्ड करने के लिए, यह टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट करने के लिए, है ना। रिसर्च और डेवलपमेंट होता है यहाँ पे, R&D होता है इसरो से रिलेटेड। इसरो की फुल फॉर्म जरूर याद रखना, इसरो की फुल फॉर्म क्या है कॉमेंट में लिख के बता दो एक बार, ठीक है। सो अच्छा, अब थोड़ा पॉलिटी के अंदर घुस गया है ये पेपर, और ये पेपर पॉलिटी में एंटर करते ही आपसे पूछ रहा है भारत के उपराष्ट्रपति महोदय हैं वह, उनके पास में कौन सा एक पद और होता है एक्स ऑफिशियो बाय डिफॉल्ट? क्या वह लोकसभा के चेयरमैन भी होते हैं? क्या वह राज्यसभा के चेयरमैन भी होते हैं? क्या वह प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन भी होते हैं? क्या वह प्रिविलेज कमिटी के भी चेयरमैन होते हैं, है ना, विशेष अधिकार समिति के भी क्या ये अध्यक्ष होते हैं? तो जल्दी से यहाँ पे लिख के बताने वाले हैं जो भी स्टूडेंट्स इसको लाइव देख रहे हैं, ये वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है हमारे पास में, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भारत के उपराष्ट्रपति उनके संदर्भ में यह कथन पूछा जा रहा है। आपको पता होना चाहिए कि भारत के उपराष्ट्रपति महोदय जो होंगे वह राज्यसभा के सभापति भी होंगे और वह राज्यसभा के मेंबर नहीं होंगे, यह याद रखना, क्योंकि यहां पे प्रेसिडेंट का और वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है। कलाता कौन है आपके पास में? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास में यह मैंडेट होता है, ठीक है ना। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किस किस का इलेक्शन कराता है? भारत में सभी MPs का, भारत के अंदर सभी MLAs का इलेक्शन जो होना है वह इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत का निर्वाचन आयोग करवाता है। और जिसे भारत का निर्वाचन आयोग वाइस प्रेसिडेंट यहां पे क्या करने वाला है, इलेक्ट करने के लिए, जो वाइस प्रेसिडेंट के रूप में इलेक्ट होगा वह बाय डिफॉल्ट राज्यसभा का भी सभापति या चेयरमैन होने वाला है, है ना। और राज्यसभा का जो सभापति मतलब जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर यहाँ पे जो चेयरमैन है वह राज्यसभा का मेंबर नहीं होगा। तो यहाँ पे एक और प्रश्न पूछ सकते हैं कि वह सदन जिसके पीठासीन अधिकारी उस सदन के सदस्य नहीं होते हैं। प्रश्न वापस रिपीट करता हूं, वह सदन जिसके पीठासीन अधिकारी, जिसका प्रिसाइडिंग ऑफिसर उस सदन के, उस हाउस के मेंबर नहीं होते हैं, तो भी आंसर राज्यसभा होने वाला है, ठीक है। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरी वन ऑफ यू। तो यह पॉइंट भी हमको क्लियर रखते हुए आगे बढ़ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे हमको यह पता होना चाहिए बेसिक सी चीज़ें कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं वो ऑनरेबल चांसलर भी हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के लिए, और वेंकैया नायडू हैं जो करंट वाइस प्रेसिडेंट है इंडिया के लिए, और इन्होंने UPA की तरफ से जो गोपाल कृष्ण गांधी हैं उनको 2017 के इलेक्शन में हराया था। अभी आपको पता होना चाहिए कि इनका रेजिडेंस कहाँ है वाइस प्रेसिडेंट का? दिल्ली के अंदर होने वाला है, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे है। कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे हैं? तो हमारे पास में कौन कौन से राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति रहे हैं, और यह श्रीमान अभी कौन सी संख्या के ऊपर यहां पे राष्ट्रपति बने हैं? जैसे आपको यह भी पता होना चाहिए कि वेंकैया नायडू यहां पे जो हैं 38th प्रेसिडेंट है, पर कौन से नंबर पे यह वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं इसके बारे में भी आप थोड़ा सा अध्ययन जरूर करें, इनके कार्यकाल। और कहीं ना कहीं ऐसा भी पूछा जा सकता है कौन सा वाइस प्रेसिडेंट, जैसे हमने कल की क्लास में क्वेश्चन पूछा था हदीयतुल्ला जस्टिस के बारे में कि कौन सा यहाँ पे CJI जो है वह कहीं ना कहीं जो है वाइस प्रेसिडेंट के रूप में भी सर्विस दिए थे। तो ये काफ़ी सारे पॉइंट्स इस तरीके से पूछे जाते हैं, टू द फर्स्ट, द लास्ट, द रिसेंट, द एक्सेप्शन, द एग्जेम्पशन, है ना, द यूनिक थिंग। तो यहाँ पे ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। द फर्स्ट स्पीकर अगेंस्ट हुम अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस वॉज मूव्ड इन द लोकसभा। देखिए, लोकसभा का जो पीठासीन अधिकारी है, जो लोकसभा का प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, उसको कहते हैं स्पीकर। क्या कहते हैं सर? स्पीकर कहा जाता है उसको। तो पहला अध्यक्ष लोकसभा का जिसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आए, अविश्वास प्रस्ताव मतलब इसको हटा दिया जाए, नो कॉन्फिडेंस मोशन इसके खिलाफ, कौन थे सर? तो यहां पर BR झाकाड़ी और GV मालविंगकर और द हुकुम सिंह और KS खड़गे, कौन थे सर आपके पास में? तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि जी वी मालवंकर करके यहाँ पे क्या थे आपके पास में?
जी वी मालवंकर, यह श्रीमान थे, यह पहले ऐसे आपके पास में क्या बनते हैं, पहले ऐसे स्पीकर बनते हैं जिनके खिलाफ यहां पे क्या किया गया था, अविश्वास प्रस्ताव आया था। तो गणेश वासुदेव मालवंकर, जीवी मालवंकर, है ना, इनको एक और नाम से जानते थे, जीवी मालवंकर को गणेश, जो गणेश वासुदेव मालवंकर को दादा साहब भी बुलाते थे। क्या बुलाते थे? दादा साहेब भी इनको बुलाया जाता था, है ना। और ये कौन थे सर? इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट भी थे, जो स्वतंत्रता सेनानी भी थे, आपके पास में यह याद रखना है। ये प्रेसिडेंट थे सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर भी आपके पास में, और ये स्पीकर बनते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर भी, है ना। और यहाँ पे लेटर ये पहले स्पीकर बनते हैं लोकसभा के, जो लोअर हाउस है ना पार्लियामेंट के, तो फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा याद रख सकते हैं, विकास, समर, पूनम, स्वलिहा, पीहू, सिमरन, रिंकी, एवरी वन ऑफ यू। तो भारत के इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले स्पीकर कौन बने? जी वी मालवंकर साहब, दादा साहेब जिनको बोला जाएगा। प्लस इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी आया था, नो कॉन्फिडेंस मोशन हटाने के लिए, सर इनको हटाया जाए, दूसरों को लाया जाए। तो यह पॉइंट मैं क्या बता रहा हूं, द फर्स्ट, द लास्ट, द इंटरेस्टिंग, द एग्जेम्पशन। तो न्यूज कहीं ना कहीं नॉर्मल नहीं है आपके पास में, हर प्रश्न जो है अपने आप में एक स्टोरी लिए हुए हैं, और वह स्टोरी पता है तो प्रश्नों का उत्तर आपको पता है। इसीलिए यह क्लास आपके लिए उपयोगी सिद्ध होने वाली है। अगर कुछ अच्छा और अच्छा कंटेंट मिल रहा है आपको, तो एक थम्सअप तो बनता है क्लास के अंदर, राइट। अगर कोई अच्छा कंटेंट मिल रहा है तो जरूर लिख के बताएंगे। तो यहां पर गणेश वासुदेव मालवंकर, जिन्हें दादा साहेब के नाम से जाना जाता था, स्वतंत्रता कार्य करता थे, एक्टिविस्ट थे, केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष रहे, संविधान सभा के अध्यक्ष के तौर पे भी इनको देखा गया, स्पीकर के तौर पे भी, और लोकसभा के पहले अध्यक्ष रहेंगे, ठीक है ना, लोकसभा के पहले अध्यक्ष के रूप में भी इन्होंने कार्य किया है दोस्तों। सो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की जाती है, कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसको समान नागरिक संहिता कहा जाता है उपासना जी, यह भारत में कहां संचालित होती है? क्या आपको पता है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसीज भी यहां पे कहीं ना कहीं ऑपरेशन में। तो जो हमारे डीपीएसपी, जिसको हम राष्ट्र के, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहते हैं, उसमें संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 44 आर्टिकल 44 की बात की जाती है, और आर्टिकल 44 के अंदर हम यहां पे बात करते हैं कि यहां पे समान नागरिक संहिता, यूनिवर्सल और यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। बिल्कुल सर, अच्छी बात है। ये कह रहे हैं कि कहां पे है, जहां पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के लिए अलग अलग कोड नहीं है, पर्सनल लॉज नहीं है, सभी के लिए सेम पर्सनल लॉज रहने वाला है। तो हमारा जो गो गोवा गॉन है, यहां पे इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सबके सक्सेशन राइट, सबके मैरिज राइट, सबके पर्सनल लॉज एक समान है। मतलब भारत का एक ऐसा एरिया जहां पे समान नागरिक संहिता अभी भी ऑपरेशन में है, इसके अलावा भारत में और कहीं नहीं है। हाँ, भारत में एक डिबेट जरूर चल रही है कि हमको भविष्य के अंदर यहां यूनिवर्सल सिविल कोड लाना चाहिए। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अनुच्छेद 44 के अंतर्गत संविधान भी इसकी व्याख्या करता है कि हमारे जो भी स्टेट जो पॉलिसी मेकर्स हैं, उनको कहीं ना कहीं भविष्य में जब समय सही हो, हमें इसकी कोशिश जरूर करनी चाहिए। वी शुड स्ट्राइक फॉर एस्टैब्लिशिंग अ यूनिवर्सल सिविल कोड। उसकी यहां पे डिबेट भी है, मोदी जी कहीं ना कहीं बार बार लाल किले की प्राचीर से इसके बारे में बात भी करते हैं कि हिंदू मुस्लिम्स के लिए अलग अलग पर्सनल लॉ ना हो, सेम रखने चाहिए। तो अच्छी भी बात है सर, क्यों? सिर्फ आपकी जाति, आपका धर्म, आपका मजहब थोड़ा सा अलग है, तो इसलिए बेसिकली जो है आपके ऊपर कानून अलग है, क्यों? और कहीं पे भी ऐसी बात नहीं है। आपको पता है, नोवेयर इन द वर्ल्ड ऐसी कहीं पे भी यूनिकनेस नहीं बात की गई है कि सर आपके पास में गोरों के लिए अलग कानून है, कालों के लिए अलग कानून। वो एक वक्त था जब इनइक्वालिटी की बात की गई थी, पर हमारे इंडिया के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन, जब आपके पास में कोडिफाई किए गए ना पर्सनल लॉज, तो वह कहीं ना कहीं जो है अलग अलग समुदाय विशेष के लिए अलग अलग प्रोविजन रखा गया, उनको हटाने की बात की जाएगी। तो गोवा इज द राइट आंसर, है ना, यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो गोवा इज द ओनली स्टेट विच हैज द यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो मैंने क्या कहा? एक्सेप्शन। मैंने क्या कहा? अनु, रिंकी, सिमरन, शत्रुघ्न, बताया ना अभी पूनम जी, एक्सेप्शन। और ये क्या है? एक्सेप्शन है, मतलब चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सबके सब समान हो कानून के समक्ष, ठीक है ना। तो गोवा का जो फैमिली लॉज है, इट्स अ सेट ऑफ सिविल लॉज जो ओरिजिनली जो है पोर्चुगीज सिविल कोड के नाम से जाने जाते थे, इंप्लीमेंटेड आफ्टर द एनेक्सेशन ऑफ द 1961। तो गोवा को एनेक्स किया गया भारत के अंदर 1961 के अंदर, यह कोड इंप्लीमेंट भी किया जाता है, ठीक है ना। तो पोर्चुगीज सिविल कोड के नाम से भी इसको जाना जाता था। अच्छी चीज है, यानी कुछ अच्छी चीज सीख रहे हो तो चेहरे पे मुस्कान जरूर रखना पड़ते वक्त। चलिए अगला प्रश्न मेरे दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग बिल इज नॉट इंट्रोड्यूस्ड बाय इन राज्यसभा। कौन सा बिल है इनमें से, कौन सा विधेयक है जो राज्यसभा में नहीं आएगा, जो उधर पेश ही नहीं किया जाएगा? कोई संशोधन विधेयक, अमेंडमेंट बिल,
कोई साधारण ऑर्डिनरी बिल या मनी बिल, धन विधेयक या नन ऑफ अबव, कौन सा बिल है जो यहां पे हम शामिल नहीं करने वाले हैं राज्यसभा में। देखिए, जब भी पैसे की बात आएगी तो यहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट जिम्मेदार, और सेंट्रल गवर्नमेंट जो कहीं कहीं लोकसभा को, एग्जीक्यूटिव इज रेस्पॉन्सिबल टू पार्लियामेंट एट लार्ज, बट यहां पे उनकी कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी लोकसभा के लिए रहती है, यह याद रखना है अपन को। तो जब लोकसभा के अंतर्गत यहां पे कोई भी मनी का मैटर होगा, कहते ना कि यहां पे हमारे पास में क्या बोल के गए थे चाणक्य, कि राजस्य मूलम अर्थम, राज्य का मूल अर्थ होता है, उसकी फाउंडेशन पैसे में होती है। एक कंट्री को चलाना है तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और फाइनेंशियल सॉवरेंटी गवर्नमेंट के पास जरूर होनी चाहिए डिसीजन मेकिंग के लिए। इसलिए राज्यों के पास में कहीं पे भी यह अधिकार नहीं है कि वह पार्लियामेंट के अंदर कोई भी यहाँ पे मनी बिल, धन विधेयक आएगा उसके ऊपर वो बात करेंगे। हाँ, उनको भेजा जरूर जाएगा रीडिंग के लिए, बट एक समय दौरान उनको वापस वो बिल रिटर्न करना होगा। उनका सुझाव हो सकता है, उस सुझाव को कहीं ना कहीं अप्लाई भी किया जा सकता है, कहीं नहीं भी किया जा सकता है, दैट डिपेंड्स ऑन द लोकसभा, ठीक है ना। तो यहाँ पे अमेंडमेंट बिल में तो पूछा जाएगा, राज्यसभा को पूछा जाएगा, क्योंकि संविधान को बदलाव कर रहे हो तो राज्यसभा को पूछना जरूरी है। ऑर्डिनरी बिल में भी पूछा जाएगा, है ना, पहले लोकसभा या राज्यसभा, या फिर पहले राज्यसभा या फिर लोकसभा, दोनों सदन का यहाँ पे तालमेल चाहिए। पर धन विधेयक के अंदर कभी भी ये नहीं पूछा जाएगा, पहले ही प्रेसिडेंट से कंसेंट लिया जाएगा, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के पश्चात लोकसभा के अंदर धन विधेयक लाया जाएगा, और वह विधेयक पास होने के पश्चात राज्यसभा में भेजा जाएगा, परंतु राज्यसभा उस पर वोट नहीं कर सकती है, इसको इंट्रोड्यूस नहीं किया जाएगा, इसको सिर्फ और इंट्रोड्यूस पेश कहां किया जा सकता है, लोकसभा के अंदर ही। तो धन विधेयक हमेशा कहां आएगा, इसी पे ही आएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट पापा है स्टेट गवर्नमेंट के, इट्स नॉट एग्जैक्टली, आप पापा पे निर्भर रहते हैं, परंतु संविधान जो है हमारा कॉपरेटिव फेडरलिज्म की बात करता है, और पूर्णतः यह यूनिटरी या एकात्मक संविधान नहीं है। इसी कारण हम ये कह सकते हैं कि केंद्र व राज्य सरकार का स्वतंत्र अस्तित्व है, और दोनों को ही शक्तियां और सत्यों के ऊपर जो अंकुश है, लिमिटेशन है, वह संविधान प्रदत्त है, ठीक है ना। तो ना ही राज्य सरकार ऊपर है और ना ही केंद्र सरकार ऊपर है, इन दोनों के परस्पर समन्वय से हम क्या कहते हैं, भारत के अंदर कैसा फेडरलिज्म है, कॉपरेटिव, या इनको कहते हैं कॉपरेटिव फेडरलिज्म स्यू जेनेरिस, अपने जैसा अनोखा कॉपरेटिव फेडरलिज्म संघवाद भारत में देखा जाता है। तो ना ही कोई किसी का अब्बा है और ना ही कोई किसी की औलाद है, ठीक है ना। यहां पे आगे बढ़ते हैं। सर, आपकी परसों की क्लास के नोट्स नहीं आए जीके ग्रुप में, आ जाएंगे, ठीक है, आई वॉज आउट ऑफ द टाउन, आ जाएंगे, डोंट वरी। क्वाजी फेडरल जिसको कहा जाएगा, बिल्कुल सही कहा सर आपने। तो यहाँ पे मनी बिल एक ऐसा विधेयक है जो राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। मनी बिल मीन्स पब्लिक बिल्स विच इज द ओपिनियन ऑफ द स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ द कॉमन्स, कंटेन्स ओनली द प्रोविजन डीलिंग विद ऑल और एनी फॉलोइंग सब्जेक्ट्स, जैसे कि यहाँ पे कोई भी टैक्स का बदलना हो, टैक्स को रिपील करना, रिमिशन करना, इम्पोज करना हो, रेगुलेशन टैक्सेशन से, मनी से, धन से रिलेटेड है आपके पास में, डेट की बात करें, फाइनेंशियल पर्पसेज की बात करें, है ना, तो कहीं भी कोई वित्तीय बात करें, कोई कर की बात करें ना, तो हर चीज के अंदर हमारा लोकसभा के स्पीकर के पास में होगा कि कोई बिल ऑर्डिनरी बिल है या वह बिल मनी बिल है, वह निर्धारित कौन करता है, लोकसभा के स्पीकर निर्धारित करते हैं। तो सर, क्या इनके पास में ज्यादा शक्ति है, बिल्कुल, जैसे कि आधार बिल आया था रोनित जी, तो यहां पे जब आधार बिल आया था तो आधार बिल के अंदर कहीं ना कहीं हमने डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर की और स्कॉलरशिप्स की, और कहीं ना कहीं यहां पे बेनिफिशियरीज को सीधा फाइनेंशियली लाभ पहुंचाने की बात की। तो वह बिल जब इंट्रोड्यूस किया गया, उस पर डिबेट होनी थी, राज्यसभा में डिबेट होगी, कांग्रेस घेर देगी बीजेपी को, है ना, हम पास नहीं होने देंगे। यहां पे स्पीकर ने क्या किया, स्पीकर ने बोला कि यहां फाइनेंस की बात हो रही है, टैक्स की बात हो रही है, पैसे की बात हो रही है, व्हाट आई विल डू इज, मैं इसको ऑर्डिनरी बिल नहीं, मैं इसको मनी बिल की तरह पेश करूंगा। तो जो आधार बिल आया, इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा एज अ मनी बिल, एंड राज्यसभा ऐसे बैठी थी, ये क्या हो गया, हम तो कुछ नहीं कर पाए। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे क्या है, लोकसभा के स्पीकर के पास में ये शक्ति होती है, थोड़ा ध्यान रख सकते हैं हम इसके बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कितने प्रकार के बिल होंगे, एक है साधारण बिल, एक है धन विधेयक, और एक होता है आपके पास में कोई वित्त विधेयक, और कुछ स्पेशल बिल्स भी हो सकते हैं। स्पेशल बिल्स में जैसे संविधान का संशोधन के बिल्स हो सकते हैं, कुछ बिल ऐसे होंगे जो संविधान के आपके पास में जो फेडरल स्ट्रक्चर को, है ना, संघीय ढांचे को बदलेंगे, वहां पे स्टेट्स की भी यहाँ पे अनुमति या फिर स्टेट की विधानसभाओं से भी कहीं ना कहीं रेटिफिकेशन रेजोल्यूशन पास होना चाहिए। और कुछ ऐसे हैं जो यहाँ पे स्पेशल विधेयक हैं पर यहाँ पे नॉन फेडरल नेचर के अंदर है, जैसे कि आर्टिकल, जैसे कि आपके पास में पार्ट वन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना, स्टेट को रीऑर्गेनाइज कर देना, स्टेट को यहां पे अमेंड कर देना, बाउंड्री और क्षेत्रफल को चेंज कर देना, तो वह स्पेशल बिल जरूर है,
उसको अमेंडमेंट पे नहीं काउंट किया जा सकता, वह एक ऑर्डिनरी बिल की तरह आएगा। याद रख सकते हैं इसको, दैट इज नॉट अ अमेंडमेंट बिल। याद है ना आर्टिकल 4, आर्टिकल 4 क्या कहता है, किसी भी शेड्यूल 1 में चेंज करोगे दैट शैल नॉट बी डेल्ट एज अ अमेंडमेंट, है ना, वह अमेंडमेंट नहीं होगा, वह अमेंडमेंट नहीं होगा। तो यह चीज अगर आपको याद आएगा तो आपको ध्यान रहना चाहिए, यह चीज अगर आपको याद आएगा, है ना। तो क्या याद रखेंगे, आपके पास में एक स्पेशल बिल्स भी हो सकते हैं, ठीक है ना, एक फाइनेंस बिल होता है जो लोकसभा में आता है, एक उससे आगे हमने बात की मनी बिल हो सकता है जो सिर्फ लोकसभा में ही आएगा, है ना। बजट में, बजट में क्या होता है, फाइनेंस बिल आते हैं, अप्रोप्रिएशन वगैरह वगैरह होता है, ग्रांट्स ऑफ, अच्छा एक बजट के ऊपर भी हम आपका सेशन लेने वाले, बजट के ऊपर भी एक बड़ाकायदा वीडियो बनाएंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल और जीके के क्या क्या प्रोविजंस बन सकते हैं बजट में। तो जैसे अभी बजट आएगा ना आपका अभी इस साल का, तो बजट और आपकी जो समीक्षा होती है आर्थिक समीक्षा, इकोनॉमिक सर्वे, दोनों को इतने एकदम चूर्ण बना करके दे देंगे, बस चार्ट जाना उसको, है ना, एग्जाम में अगर प्रश्न आए तो क्लियर करके आओगे वहां पे, ठीक है सर। तो यह कर लेंगे, वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरी वन ऑफ यू। चलिए आगे बढ़ते हैं, दिसंबर 1999 में थोड़ा सा चल पड़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द लॉ इनेक्टेड इन द डिसंबर 1999, द लीगल एज फॉर सिटीजन टू बिगर अ मेजर इज व्हाट। तो 1999 में अधिनियमित कानून के अनुसार एक नागरिक को बालिग होने की कानूनी उम्र क्या है सर, आप कितने साल के हैं तो आप बालिग हैं, जल्दी से बताएंगे सर, जल्दी से बताएंगे। अच्छा यहां पे कौन कौन बालिग आएंगे, सभी लोग 18 से तो ऊपर होंगे, तो जो भी 18 से ऊपर हैं उसको हम बालिग कहते हैं। सर ये प्रश्न कहां पूछा गया, ये प्रश्न पूछा जाता है दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज के अंदर, जीके पोर्शन के अंदर। अरे मेरे भाई यह चीज बता लो, क्या यह चीज टफ है, एक एक मार्क सीधा दे दिया, है ना, रसगुल्ले की तरह खा लो भैया, ठीक है ना। तो बहुत सी अच्छी सी बात हो जाती है आपके पास में यहाँ पे, तो ठीक है, तो यह याद रख सकते हैं अपन लोग, यह याद रख सकते हैं, ठीक है ना। तो अनलेस अ पर्टिकुलर पर्सनल लॉ स्पेसिफाइज अदरवाइज, एवरी पर्सन डोमिसाइल्ड इन इंडिया इज डीम्ड टू हैव अटेंड द मेजोरिटी अपॉन द कंप्लीशन ऑफ द 18 ईयर्स। 18 साल में उसको मेजोरिटी का तबका दे दिया जाएगा। अरे नहीं 20 साल नहीं है, 20 साल नहीं 18 साल की उम्र होती है, ठीक है। चलो सो हु इज द हु ऑफ द फॉलोइंग इलेक्टेड प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया यूनानिमसली, है ना, सर्वसम्मति से, मतलब कोई इलेक्शन ही नहीं हुआ, कोई मतलब कहते हैं ना भारत पाकिस्तान का मैच हो तो देखेंगे लास्ट ओवर तक मैच जाएगा, है ना। अब जैसे भारत और केन्या का मैच करा दो कि बोले खेलने की क्या जरूरत है, क्यों टाइम पास करो, सीधा टॉस ही कर दो, जो टॉस जीता वो जीत जाएगा। तो यहाँ पे एक ऐसा व्यक्तित्व है हमारे पास में, एन संजीव रेड्डी, क्या नाम है रौनित जी, एन संजीव रेड्डी, ठीक है ना। तो एन संजीव रेड्डी की यहाँ पे बात की गई है दोस्तों, एन संजीव रेड्डी की बात की गई है कि ये ऐसे राष्ट्रपति थे जो इलेक्शन में खड़े हुए ना तो सबने हाथ जोड़ के सर्वसम्मति में ही इनको क्या कर दिया, सिमरन जी इनको क्या कर दिया, यहां पे सीधा प्रेसिडेंट बना दिया। सो ये यूनानिमसली, बाकी सबने इलेक्शन फाइट करना पड़ा था, बाकियों ने इन्होंने सीधा आकर के गले में माला ही पहना दी कि भाई साहब आप हमारे राष्ट्रपति बनने वाले, यूनानिमसली सर्वसम्मति से, कोई इनके विपक्ष का नेता नहीं रहा, ठीक है ना। तो नीलम संजीव रेड्डी यह बहुत ही अनोखे व्यक्तित्व के धनी थे। रेड्डी वॉज इलेक्टेड अनअपोज्ड ओनली प्रेसिडेंट ऑफ इलेक्टेड, तो मैंने क्या कहा, ओनली एक्सेप्शन, द फर्स्ट द लास्ट द यूनिक, तो ये यूनिक और ये एग्जेम्पशन है, इसीलिए ये परीक्षा में है। तो आपको भी क्या याद रखना है, यह ध्यान रखना है। अच्छा एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट 1951-1952 के अनुसार, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज मतलब भारत का वह हर नागरिक जो 18 साल की एज अटेंड कर चुका है वह मतदाता हो सकेगा अगर उसने अपने आप को वोटर लिस्ट में एनरोल कर रखा है। तो नंबर वन पॉइंट, तो 18 साल की उम्र वो अलग हो गई। मैरिज की बात जो यहां पे मेरे दोस्त कमेंट्स बॉक्स में किए जा रहे हैं, वहां पे मैरिज की बात की जा रही है, वो करंट अफेयर का विषय है, वह भी हम लेने वाले हैं। परंतु यहां पे कौन बालिग और कौन नाबालिग होने वाला है, यह प्रश्न जो था, आप 18 साल के हो, आप चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, चाहे हमारे समाज का अन्य जैसे तीसरा वर्ग जिसको ट्रांसजेंडर वर्ग भी कहा जाता है, अगर यहां पे थर्ड जेंडर भी है, ट्रांसजेंडर भी है, वह भी 18 साल का है, तो उसको भी मेजर करार दिया जाएगा। यह ध्यान रख सकते हैं, यह ध्यान रखा जा सकता है, ठीक है ना। सर हमको भी ऐसे ही जज बना दे हाईकोर्ट्स के अंदर, ओके। अगर हमारे बस की बात हो तो बात ही क्या, हमारे बस में है पढ़ाना और आपके व्यक्तित्व को और आपके ज्ञान को बढ़ाना, ठीक है ना। और जिस दिन वो एक थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर गया, और कहते हैं ना मेहनत और आपके स्टार्स दोनों स्ट्राइक हो गए, तो भैया उस दिन क्या बन जाओगे तुम, जहां पना, समझ गए। जहां पना पर्टिकुलर कोर्ट के, है ना, पूरे जहां के नहीं। चलिए आगे बढ़ते। सो यहाँ पे नीलम संजीव रेड्डी जो है यूनानिमसली सपोर्ट के साथ सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने इनको
जो है बेसिकली इंक्लूडिंग जो आपके पास में कांग्रेस जो विपक्ष में थी उस वक्त कांग्रेस ने भी सपोर्ट किया था इनके लिए 64 की यंग में, ही वॉज द यंगेस्ट एवर पर्सन टू इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर। तो सबसे युवा राष्ट्रपति को इलेक्टेड किए गए 64 की एज में, वो थे नीलम संजीव रेड्डी। देखिए ठीक है ना, तो आपको भी अपनी यंग एज में कुछ कर दिखाना है इनकी तरह, है ना। तो आप भी जब तक 64 साल के तब तक आप भी क्या हो, यंग हो, ये याद रखना। रिटायरमेंट के भी 4 साल बाद में, है ना। तो कई लोग तो अभी भी बेसिकली जो हैं वो भगवान विष्णु की मुद्रा के अंदर ये क्लास देख रहे होंगे। सीधे बैठ जाओ और लिखना शुरू कर दो, क्लास में लिख करके पढ़ोगे तो अच्छा रहेगा। हर पॉइंट्स को कहीं ना कहीं बुलेट फॉर्म में लिखते चलो, है ना। और उसको यहाँ पे एक अपने रूम में क्या बना के रखो, एक पिन बोर्ड बना के रखो और उस पिन बोर्ड पे सारी इन्फॉर्मेशन को लिखो, है ना, पेस्ट कर दो अपने पेजेस को। तो वो चीज़ बार बार देखोगे ना तो याद रहेगी। जीके को जो यूनिक इन्फॉर्मेशन, उसको याद करने का यही तरीका है, और कोई तरीका नहीं है, और कोई तरीका नहीं है हमारे पास में। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट अवेलेबल टू ऑल पर्संस, है ना। कौन सा मौलिक अधिकार है जो सभी व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं है? इक्वालिटी बिफोर द लॉ, है ना, इक्वलिटी बिफोर द लॉ, कानून के समक्ष समानता, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धर्म की समानता, राइट अगेंस्ट द एक्सप्लॉइटेशन, शोषण के खिलाफ के अधिकार, और इक्वलिटी ऑफ द अपॉर्चुनिटी, है ना, अवसर की समानता। तो ओके, ऐसी चीज जो फंडामेंटल राइट में तो है पर वो सबको अवेलेबल नहीं है। इक्वलिटी बिफोर लॉ सबको है, चाहे तुम मर्डरर हो चाहे तुम राष्ट्रपति हो, सबको क्या मिलेगा? कानून के समक्ष सब बना समान है, ठीक है ना। धर्म की स्वतंत्रता, सर बिल्कुल, आप चाहे यहाँ पे जेल में भी बैठो फिर भी आप जो है अपनी पूजा करोगे, नमाज पढ़ पाओगे, अपनी जो गीता बाइबल जो भी आप अपनी याचना करो, पूजा करो, अरदास करो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर शोषण के खिलाफ अधिकार, बिल्कुल, एक्सप्लॉयटेशन तो कहीं नहीं होना चाहिए आदमी का, चाहे वो टॉप पे बैठा है चाहे वो बॉटम पे बैठा है, चाहे वो यहाँ पे कहीं ना कहीं क्या है, मैनुअल स्कैवेंजर से क्यों नहीं है, उनका शोषण नहीं होना है, राइट। पर अवसर की समानता क्या सभी को है? क्या भारत सबको अवसर की समानता भी देता है? यस, सो इट इज अवेलेबल, पर सभी व्यक्तियों के लिए उपलब्ध नहीं है। आइए इसके पीछे टेक क्या है वह समझते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट जॉइंट मीटिंग, देखिए अवसर की समानता कैसे सभी को नहीं है, कोई बताएगा मेरे को अपॉर्चुनिटीज कैसे सभी को नहीं है? जैसे कुछ लोग यहां पे इलेक्शन में जा, इलेक्शन लड़ सकते हो कि हाँ सर, लोकसभा के लिए ये वरीयता, राज्यसभा के लिए ये वरीयता है, सब कुछ समझ में आता है सर हमको। बट यहाँ पे अगर आपको कहीं ना कहीं चार्ज कर दिया जाता है, आप कन्विक्ट हो जाते हो, तो सर आपको रोक दिया जाएगा। अब आप कहोगे हमको इलेक्शन लड़ने का अवसर नहीं दिया, अरे भाई तुम कन्विक्टेड हो, अनलेस यू आर नॉट कन्विक्टेड यू विल बी एबल टू फाइट इलेक्शन, समझ में आई। अब तुम कहते हो कि भैया हम चले जाते हैं, आज कलेक्टर साहब छुट्टी पे हैं, अपने भाई की बहन की शादी में अटेंड करके गए, तो 2 दिन के लिए हम कलेक्टर बन जाते हैं लखनऊ के। क्यों? लिखो UPSC, ट्रेनिंग करने जाओ सेलेक्ट होकर के, है ना, प्रॉपर पूरा का पूरा रूल ऑफ लॉ को फॉलो करो और फिर बनो कलेक्टर, है ना। कलेक्टर नहीं है छुट्टी पे इसलिए तुम कलेक्टर बन जाओ, सर हमें भी अवसर मिलना चाहिए। अरे भाई ऐसी बात नहीं है, ठीक है ना, ऐसी बात नहीं है। तो हमेशा यहाँ पे मेरिट के ऊपर डिसीजन होता है नंबर वन, और लॉ के हिसाब से, अनलेस इट इज नॉट बार्ड फ्रॉम द लॉ, है ना। जैसे कि आपके पास में अवसर तो सबको मिलेगा, अवसर सबको मिलेगा। अब जैसे कुछ ऐसी चीजें जो कि सिर्फ दिव्यांगजनों के लिए बनाई हुई है, दिव्यांग जनों के लिए कुछ स्कीम बनाई हुई है, ठीक है ना, पर अब तुम कहोगे नहीं सर ये स्कीम हमको भी चाहिए, ये स्कीम हमको भी चाहिए। क्यों चाहिए भाई? अवसर की समानता है, पर सबको तो नहीं है ना। वह अवसर एक वर्ग विशेष, एक समुदाय विशेष, एक कम्युनिटी विशेष के लिए है, समझ में आई बात। तो अवसर की समानता है पर सबको सब जगह नहीं है, कानून के अनुरूप मेरिट के अनुरूप होने वाली है, यह याद रख सकते हैं। इंदिरा सोहाने वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया में समझाया गया है 50% की कैप रखी गई है वहां पे, ठीक है ना, समझ में आई आपको। हेलो मिश्रा जी, हाउ आर यू, राइट। तो यहां पे 50% की जो कैप रखी गई है इसको थोड़ा सा आप याद रखते चल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। द फर्स्ट जॉइंट मीटिंग ऑफ द काउंसिल ऑफ द स्टेट, काउंसिल ऑफ स्टेट मतलब राज्यसभा, एंड द हाउस ऑफ पीपल मतलब लोकसभा, वॉज हेल्ड इन कनेक्शन विद वॉट। तो यहां पे लोकसभा और राज्यसभा की यहां पे क्या हुई थी, पहली संयुक्त बैठक हुई थी, जॉइंट मीटिंग हुई थी। वह किस कारण हमको जॉइंट मीटिंग करानी पड़ी कि दोनों के दोनों हाउस एग्री नहीं कर रहे, तो दोनों को संयुक्त बैठक बुलानी पड़ी, किसके कारण? क्या हमको यहां पे बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना था, दहेज का उन्मूलन मतलब डॉरी को एबॉलिश करना था, या फिर यहां पे गोल्ड को कंट्रोल करने के लिए कोई बिल आ रहा था, या फिर हिंदू कोड बिल के टाइम हमने बेसिकली यहां पे एक जॉइंट सेशन बुलाया था। तो आपको पता होना चाहिए कि डॉरी की बात कर रहे हैं, दहेज की बात कर रहे हैं, कि सर हमको डॉरी को प्रोहिबिट करना था पहली बार, तो इसलिए बेसिकली यहां पे कंसेंसस पे रीच करने के लिए लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त सदन बुलाया गया था, है ना, संयुक्त सदन बुलाया गया था। तो यह ध्यान रख सकते हैं अपन लोग, ठीक है ना। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सर यहां पे थोड़ा सा देख लेंगे, आई विल जस्ट मूव अ बिट, मेरा चेयर में मूव करता हूं, माइक भी मैं मूव करता हूं, ताकि यहां पे आप पढ़ पाए। सेक्शन 498A की यहां पे बात की जा रही है, दहेज और उत्पीड़न की यहां पे बात की जा रही है ना, ठीक है ना।
तो दहेज और उत्पीड़न की भी यहां पे बात की जा रही है कि डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट जो आया था 1961 के अंदर, इसको एनेक्ट किया गया, प्रिवेंट द ग्रीविंग और रिसीविंग ऑफ द डॉरी। तो यहां पे आपके पास में डॉरी देना भी और डॉरी लेना भी दोनों चीजों को ही मना कर दिया जाता है। दोनों चीजों को यहां पे क्या कर दिया जाता है, मना कर दिया जाता है भाई साहब। तो अंडर डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट डॉरी इंक्लूड्स द प्रॉपर्टी, कोई संपत्ति आपने ले ली, कोई सामान आपने ले लिया, कोई पैसा आपने ले लिया, इधर टू द पार्टी टू द मैरिज, है ना, कोई भी जो भी व्यक्ति। अब आप कहोगे हमने नहीं, आपको नहीं दिया, आप मैं तो मेरी बेटी को दे रहा हूं, बट द बेटी इज पार्टी टू द मैरिज, सी इज द पार्टी टू द मैरिज, वह पक्षकार है और वह पक्षकार कोई चीज ना ही ले सकता है ना ही दे सकता है, कोई वस्तु हो, कोई यहां पे मनी भी हो सकती है आपके पास में, ठीक है ना, बाय द पेरेंट्स ऑफ इधर पार्टी और बाय एनीवन एल्स इन द कनेक्शन। एनीवन एल्स में लड़का और लड़की दोनों आ गए, ठीक है ना। जीवन में याद रखना, अगर अपना पुरुषार्थ आपके हाथ में है, अब अगर आपके हाथ में अपनी वो क्या कहते हैं सेल्फ रेस्पेक्ट है ना, जीवन में एक रुपया मत देना। अगर पैसे के कारण, अगर कहीं ना कहीं स्वार्थ के कारण कोई आपके जीवन से जुड़ रहा है, तो ये मानिए स्वार्थ खत्म होने के साथ साथ में आपका साथ भी खत्म हो जाएगा, है ना। तो एक तरीके से जो कहते हैं ना, यह चीज से तो दूर हट जाओ, चाहे दोस्त बनाओ, चाहे कल की तारीख में कोई भी भविष्य के अंदर अपने जीवन साथी का चयन करो, वह स्वार्थ के साथ में नहीं जुड़ा होना चाहिए। अगर वह स्वार्थ के साथ में जुड़ा हुआ है, पहले ही नमस्कार, कहते हैं ना गीता की प्रथम श्लोक कहा जाता है दुर्जनम प्रथम वंदनम, जो खतरनाक लोग उसको पहले नमस्कार करके चलो है ना, ये ज्यादा डैमेज करने वाले हैं, ये लोग ज्यादा डैमेज करने वाले हैं। ऐसे लोगों से तो दूरी जितना बनाए रखोगे उतना क्या रहोगे, सफल भी रहोगे और सुरक्षित भी रहोगे, क्योंकि आज की तारीख में सफलता के साथ साथ सुरक्षा भी जरूरी है ना, 21वीं शताब्दी में मेरे भाई। चलिए आगे आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं, हम बात कर रहे हैं किसी भी राज्य की विधानसभा का कार्यकाल आपातकाल के दौरान किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है। देखिए जब आपातकाल लग गया, इमरजेंसी लगी, तो इलेक्शन वहां कंडक्ट नहीं करा सकते हम नेक्स्ट असेंबली इलेक्शन, मतलब एमएलए के इलेक्शन के लिए। तो यहां पे हम क्या करते हैं, उस असेंबली का जो कार्यकाल 5 साल का है उसको थोड़ा सा बढ़ा दिया जाता है। बढ़ा करके कितने वर्ष का कर दिया जा सकता है, कितने भी वर्ष का, जब तक वो आपातकाल कर चले, जब तक हम बेसिकली क्या ना करें उसको सस्पेंशन में रखेंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को याद है ना सस्पेंशन में रहती है। तो इमरजेंसी को, इमरजेंसी के समय लेजिस्लेटिव असेंबली का टर्म कौन बढ़ा सकता है, राष्ट्रपति, गवर्नर, पार्लियामेंट या लेजिस्लेटिव असेंबली स्वयं बढ़ा सकती है। कौन बढ़ा सकता है यहां पे, कौन बढ़ा सकता है यहां पे यहां पे आपको पता होना चाहिए पार्लियामेंट। तो हमारी जो पार्लियामेंट है वह बेसिकली यहां पे अप्रूवल देती है कि सर एक पर्टिकुलर राज्य, जैसे मैं कहता हूं आपके पास में किसी भी राज्य की बात करो, हम बात करते हैं राजस्थान की, अगर इमरजेंसी का समय चल रहा है आपके पास में, आपातकाल का समय चल रहा है, तो यहां पे जो 5 वर्ष का जो जनरल टेन्योर है उसको बढ़ाया जा सकता है 1 साल, 2 साल या 3 साल या 6 महीने, जो भी समय, पार्लियामेंट के अप्रूवल के पश्चात, गवर्नर नहीं पार्लियामेंट के अप्रूवल के साथ में होना चाहिए, ठीक है ना। सो अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 172 क्लॉज 1 कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, यहां पे इमरजेंसी जब ऑपरेशन में रहती है तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का जो ड्यूरेशन है उसको एक्सटेंड किया जा सकता है बाय पार्लियामेंट बाय द लॉ फॉर अ पीरियड नॉट एक्सटेंडिंग 1 ईयर एट ए टाइम, एक बार में 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। फिर अगले साल भी अगर आपके पास में लगता है कि सर आपातकाल की स्थिति, इलेक्शन कंडक्ट नहीं हो सकते, नहीं यहां पे विधानसभा नहीं चुनी जा सकती है, तो वापस 1 साल बढ़ा दो, पर उसके लिए भी वापस पार्लियामेंट का अप्रूवल जरूरी होने वाला है, वापस पार्लियामेंट का अप्रूवल जरूरी होने वाला है, इसको थोड़ा सा याद रख सकते हैं। देखिए दोस्तों, जो भी चीजें अभी हम पढ़ रहे हैं, अगले 2 मिनट आप सभी के लेना चाहूंगा मैं, बहुत ही अटेंशन के साथ में सुनना, अगर आपको यहां पे आने वाले एग्जामिनेशन, स्पेसिफिक दिल्ली, यूपी, बिहार, एमपी, गुजरात के जैसे एग्जामिनेशन, और राजस्थान के अगर यहां पे कोई बच्चे बैठे हैं और जो आर्टिकल राइटिंग में सुनना और समझना चाहते हैं, बताना चाहूंगा कि यहां क्लास के अंदर आपको लगभग जो भी करंट अफेयर जो मेजोरिटी में पूछा जाता है, ये पास्ट ईयर एनालिसिस देख सकते हैं आप, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस के अंदर कितने कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो कहीं ना कहीं पूछे गए हैं वो हिस्ट्री अथवा यहां करंट अफेयर के पूछे गए, और वह इन क्लास के अंदर आपको समझाए जाएंगे। तो आपकी अटेंशन इन क्लासेस के साथ साथ में आपको किस में बनाए रखनी है, स्पेशल क्लास में। अच्छा, स्पेशल क्लास का टाइमिंग क्या रहता है हमारा, यह क्लास हर रोज जो हम कंडक्ट करते हैं आपके दोपहर को 1 बजे, इसके ठीक बाद में यह क्लास 1 से 2 बजे तक चलेगी, और 2 बजे के पश्चात थोड़ा सा ब्रेक लेंगे हम लोग, और ब्रेक के बाद में हम लोग कितने बजे मिलने वाले हैं वापस यहां पे, 1 बजे की क्लास के बाद में वापस, आज की जो क्लास है लगभग 2:30 रखी है आज की क्लास, कितनी 2:30, लगभग आपको 15-20 मिनट लंच का, टी का, फ्रेश होने का ब्रेक मिले, उसके बाद में आप विदिश 10 कोड को यूज करके ये फ्री क्लास आप देख सकेंगे। इसमें मैं करंट अफेयर और हिस्ट्री के बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आज आपके डील करने वाला हूं। अच्छा, इसका लिंक कहां से मिलेगा,
इसका लिंक कहां से मिलेगा? इसका लिंक देखिए, ये वीडियो जो चल रहा है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाओ, यहां पे आप देखेंगे कि आज की जो मेरी प्लस कोर्स में भी 5 बजे वाली 5 PM की क्लास है उसका लिंक भी यहां पे मिल जाएगा, प्लस जो आज की स्पेशल क्लास है उसका भी लिंक यहां पे दिया हुआ है, GK फॉर जुडिशरी। ठीक है, समझ में आई आपको बात? तो अगर आप प्लस के स्टूडेंट हो, आपने कोर्स परचेज कर रखा है, आप इस कोर्स को देख रहे हो, तो भी यहां पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के जो ये 4 लिंक दे रखा है ना, इसमें सबसे बॉटम के 2 लिंक प्लस वालों के लिए ये वाला लिंक रहेगा और आज की स्पेशल क्लास के लिए ये लिंक रहेगा। अच्छा, इसको यूज करते टाइम आप मेक श्योर कि Vidish10 कोड को यूज करो, Vidish10 VIDISH10, तब यह क्लास जो है 2:30 बजे वाली अनलॉक हो पाएगी आपके पास में। ठीक है दोस्तों, यह चीज समझ में आई हमको, ठीक है ना। और शाम को एज यूजुअल हमारी आज की 5 बजे की प्लस क्लास होने वाली है GK GS की लिंकिंग बैच के अंदर, 1 ईयर लॉन्ग बैच है। जैसे कि ऑलरेडी जो है ऑनरेबल सर, हम आपको कह चुके हैं और बता भी चुके होंगे शायद, वेरियस टेलीग्राम ग्रुप्स के अंदर भी ये मैसेज जा चुका है कि आपके यहाँ पे GK और GS की पढ़ाई अगर आप ढंग से नहीं कर रहे करंट अफेयर्स और, तो जुडिशरी की तैयारी कहीं ना कहीं यहाँ पे अधूरी रहती है। तो जो प्लस कोर्स है उसमें आपको जरूर एनरोल करना चाहिए। और यहाँ पे हर बता दूँ, हर एजुकेटर्स का खाली एक बार कोर्स एनरोल नहीं होता, हर मंथ जो भी क्लासेस आएगी 10-15-20 क्लासेस, उन हर क्लासेस को आपको लिंक मांग करके एनरोल करना चाहिए अगर आप प्लस स्टूडेंट हो तो। यहाँ पे यह ध्यान रख लेना है आपको। अनअकैडमी लिंकिंग लॉज का जो हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम हैंडल है इसको जरूर फॉलो कर लें, सर्च कर सकते हैं अनअकैडमी लिंकिंग लॉ, उसको ज्वाइन करें। उसके यहाँ पे इस एडमिन सेक्शन में जाकर के आप कैप्टन GK_JJ सर मेरे को यहाँ पे टेक्स्ट कर पाएंगे, यू में टेक्स्ट योर क्वेरी रिगार्डिंग द एग्जाम्स एंड सब्जेक्ट ओवर हियर। ठीक है, एडमिन सेक्शन में कोई भी दिक्कत आए GK GS प्लस स्पेशल क्लास, आप क्वेरी को सेंड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ते हैं, द रस्टिंग ऑफ द आयरन इज एन एग्जाम्पल ऑफ वॉट, है ना। रस्टिंग से क्या होता है आपके पास में, रस्टिंग क्यों होती है? रेडॉक्स रिएक्शन के कारण। रेडॉक्स मतलब होता है रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, दोनों रिएक्शन साथ में होती है, मतलब ऑक्सीजन का हटना और हाइड्रोजन का जुड़ना। जब आयरन के साथ में यह दोनों केमिकल रिएक्शन होती है तब कहीं ना कहीं जो है आपके पास में लोहे में जंग लगती है। तो लोहे में जो जंग लगती है ना मेरे दोस्तों, वह इसी कारण होती है। टेलीग्राम का लिंक, PDF का लिंक, ये सारी की सारी चीज आप स्पेशल क्लास में आ जाओ, वहां डिस्कस करते हैं 2:30 बजे के करीब। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ठीक है ना। अभी से एग्जैक्ट 30-31 मिनट का समय आपको मिलने वाला है। तो रस्टिंग जो भी होती है, लोहे में जंग लगना एक तरह की रेडॉक्स अभिक्रिया है, केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, पूछा गया है पास्ट ईयर के अंदर भी, है ना। तो रस्टिंग के अंदर ऑक्सीजन भी जो है कंबाइंस विद ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ द वाटर, ऑक्सीडेशन यहां पे रिएक्शन होगा, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन, है ना। और यहां पे आपके पास में रिडक्शन का मतलब होता है पानी में हाइड्रोजन होता है वह कहीं ना कहीं रिएक्ट करता है। तो देखो, लोहा तब तक जंग नहीं खाता जब तक वो पानी के कांटेक्ट में नहीं आता या मॉइस्चर के कांटेक्ट में नहीं आता। जैसे ही वो मॉइस्चर के पानी के कांटेक्ट में आया, है ना, और हवा में ऑक्सीजन होती है तो पानी से H2O से हाइड्रोजन उठाएगा और हवा से ऑक्सीजन उठाएगा, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों रिएक्शंस के कारण उसमें जंग लगना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पे याद रखना है कि आपके पास में जो ऑक्सीजन रहती है वो कहीं ना कहीं क्या रहती है, मेटल्स का रिड्यूसिंग एजेंट रहती है वह, उसके कारण क्या होता है, पानी के कारण और ऑक्सीजन के कारण जंग लगता है, इसको रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। सो इफ द लेंथ ऑफ द वायर इज डबल द रेजिस्टेंस विल बिकम व्हाट, अगर मैं कह रहा हूं कि अगर मैं कोई तार है, इस तार को अगर मैं डबल कर देता हूं, तार की लंबाई को बढ़ा देता हूं, तो उस तार की लंबाई के अंदर जो प्रतिरोध है क्या वो बढ़ जाएगा या घट जाएगा। इसके लिए सबसे पहले प्रतिरोध को समझें। इलेक्ट्रिसिटी जो है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन का फ्लो को हम लोग कहते हैं कि सर इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो पा रही है, ठीक है ना। अगर इसके बीच में कहीं ना कहीं जो है, जैसे जितना अच्छा मेटल होगा उसकी कंडक्टिविटी अच्छी होगी तो उसका प्रतिरोध कम होगा, उसका प्रतिरोध कम होगा आपके पास में। अगर मैं कह रहा हूं मेरे पास में 1 मीटर का तार है तो उसके अंदर प्रतिरोध होगा आपके पास में उस एक पर्टिकुलर, सपोज 1 यूनिट होगा, अगर मैंने इसकी लंबाई को 1 यूनिट और बढ़ा दिया, 1 यूनिट और बढ़ा दिया, तो इसका रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यहां पे कह रहे हैं कि अगर मैं लेंथ को डबल कर देता हूं तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि लेंथ इज प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। जो प्रतिरोध होता है वह लंबाई के प्रोपोर्शनल रिलेशन में होता है, वह भी डबल हो जाएगा। थोड़ा सा यह कॉन्सेप्ट है, सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट है, व्हेन अ डायमीटर ऑफ वायर इज डबल रेजिस्टेंस विल बिकम डबल, ठीक है ना। तो यह याद रखना है आपको, यह याद रखना है आपको, बेसिक सी चीजें, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन अ ऑर्डिनरी पेंसिल, तो ऑर्डिनरी पेंसिल में हम लोग क्या यूज करते हैं, यहां पे ग्रेफाइट यूज करते हैं। ग्रेफाइट एक तरह का कार्बन ही होता है, ये एक तरह का क्या है सर, कार्बन ही होता है ग्रेफाइट, जो हम पेंसिल्स के अंदर यहां पे यूज करते हैं सर, ठीक ना। क्रिस्टलाइन फॉर्मेट में यह एलिमेंट कार्बन होता है, हायर टेम्परेचर और हायर प्रेशर के अंदर यह डायमंड में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो क्या पता है आपकी जो पेंसिल है ना वह डायमंड में कन्वर्ट हो सकती है, है ना। थाउजेंड्स ऑफ द डिग्री का टेम्परेचर और थाउजेंड्स ऑफ एटमोस्फेरिक प्रेशर यहां पे ज्यादा चाहिए होगा, तब जाकर के कहीं ना कहीं एक कालांतर के अंदर
टाइम पीरियड के अंदर वह डायमंड में कन्वर्ट होती है, इसको थोड़ा सा आप याद रख सकते हैं। तो नॉन स्टिक जो कुकिंग यूटेंसिल्स हैं वो किसकी, टेफ्लॉन की कोटिंग होती है। तो जितने भी नॉन स्टिक यूटेंसिल्स बर्तन आप यूज करते हैं उस पर किसकी, टेफ्लॉन की कोटिंग होती है। टेफ्लॉन जो है सर आपके पास में कहीं ना कहीं जो है बहुत ही खतरनाक केमिकल भी, 1938 में जो है यहाँ पे एक ड्यूपॉन्ट कंपनी है इसके द्वारा यहाँ पे जॉइंट वेंचर के अंदर इसको इन्वेंट किया गया था। डिटर्जेंट के अंदर कौन सा क्लीनिंग एजेंट्स होता है, सर डिटर्जेंट के अंदर होते हैं सल्फोनेट्स। तो जो भी आपके पास में बर्तन या कपड़े साफ करने के जो डिटर्जेंट्स होते हैं उसमें सल्फोनेट्स होते हैं, ये पानी के साथ इंक्रीज करके क्या करता है, क्लीनलीनेस को बढ़ा देता है ना। तो सल्फोनेट्स क्या करते हैं, डिटर्जेंट की वाटर की एबिलिटी को बढ़ा देते हैं टू वेट द थिंग्स, चीजों को भिगाने की एबिलिटी को। तो यहाँ पे क्योंकि सर्फेस एरिया बढ़ जाएगा है ना, इट स्प्रेड्स ओवर द सर्फेस एंड सीप्स इन टू द डर्टी क्लॉथ, तो डर्टी क्लॉथ में भी यहाँ पे पानी घुस पाएगा, उसको क्लीन कर पाएगा अच्छे तरीके से, ठीक है ना, सल्फोनेट्स के थ्रू। यह याद रख सकते हैं। आई इन्वाइट यू ऑल टू ज्वाइन द लिंकिंग जुडिशरी बैच, जो 1 ईयर लॉन्ग बैच है जिसमें कि ऑनरेबल सर की लीडरशिप में यहाँ पे क्लास चल रही है, और शाम को 5 बजे 5 PM मेरी यहाँ पे डेली क्लास रहती है जीके जीएस जुडिशरी के लिए। 18 से ज्यादा स्टेट्स की जीके जुडिशरी का एग्जाम्स कहीं ना कहीं प्री और मेंस और इंटरव्यू के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ पे प्लस क्लास में आ सकते हैं, मेरी यहाँ पे डेली क्लास 5 बजे होती है, ठीक है ना। आइकॉनिक बैच में भी आ सकते हैं, इसमें प्लस के साथ साथ में आपको आइकॉनिक फीचर भी मिलेंगे। आइकॉनिक में एक्स्ट्रा क्या है, पर्सनल गाइडेंस मिलने वाला है आपको, पर्सनल गाइडेंस मिलने वाला है, जैसे कि डाउट सॉल्विंग सेशन, 1-to-1 मेंटरशिप है, टेस्ट सीरीज है ना, वो सारी रहेगी। इसके साथ में प्लस के सारे बेनिफिट्स तो मिलने वाले ही आपको। प्राइस में थोड़ा सा इसमें डिफरेंस हो सकता है, 24 मंथ 18 मंथ 12 मंथ कोई भी आप सब्सक्रिप्शन यहाँ पे ले सकते हैं, और यहाँ पे विदिश 10 कोड को यूज कर लेना। विदिश 10 कोड को यूज करने से आपको यहाँ पे 10% डिस्काउंट मिलेगा। दो और चीजें बताना चाहूंगा, एक साथ पे नहीं कर पा रहे हैं आप तो क्या कर पाएंगे, यहाँ पे EMI क्रेडिट कार्ड से पे कर पाएंगे। कई स्टूडेंट्स कहते हैं सर क्रेडिट कार्ड भी नहीं है, तो यहाँ पे लोन की सुविधा भी देती है अनअकैडमी। आप अनअकैडमी के चैनल के ऊपर जो हेल्पलाइन है उसके ऊपर कॉल कर सकते हैं और यहाँ पे पूछ सकते हैं, सर अगर मेरे पास में यहाँ पे एक बैंक अकाउंट है ऑपरेशनल और सारा का सारा पैन कार्ड और आधार कार्ड और सारी चीज़ें हैं, तो क्या मेरे को यहाँ पे अनअकैडमी से लोन मिल सकता है। तो अनअकैडमी से आपको लोन भी मिल जाएगा, तो उससे क्या हो पाएगा आपके पास में, छोटे से पेपर वर्क के थ्रू आपको, जैसे एक साथ में 50,000 नहीं पे कर पा रहा है कोई, 40,000 या 30,000 नहीं दे पा रहा, तो वो छोटी छोटी किस्तों में अपना जो है लोन वापस भुगता पाएगा। अनअकैडमी का एक बार आपके खाते में आ जाएगा, आप वापस उसको चुका पाएंगे, ठीक है ना। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड, सर आप अनअकैडमी में भी हैं तो आप अनअकैडमी का मेरा प्रोफाइल लिंक देखने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाएं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं। जो कमेंट आप कर रहे हैं उस कमेंट के ऊपर देखिए, ब्लू पट्टी में भी लिखा है जगदीश चंद्र प्रोफाइल लिंक, वहां भी क्लिक करके आप मेरे प्रोफाइल पे जा सकते हैं। और विदिश 10 कोड को यूज करके 2:30 बजे वाली क्लास जरूर अटेंड कर लेना, बहुत ही बेनिफिशियल होगी। और विदिश 10 कोड को यूज करके अगर आप प्लस कोर्स या आइकॉनिक कोर्स में भी जाओगे तो एक कोर्स के साथ साथ में आपको बाकी सारे कोर्स के भी आपको एक्सेस मिलने वाली है 2021-22 और 23 की प्रिपरेशन के लिए, रेस्पेक्टिव ड्यूरेशन जो भी आप अटेंड यहाँ पे करने वाले। विदिश 10 कोड को यूज करके अभी 2:30 बजे वाली क्लास जरूर अटेंड करना, मिस नहीं करना है। और अनअकैडमी का ये चैनल यूज कर लो, कैप्टन जी _JJ सर यहां पे टेलीग्राम ग्रुप पे आप फॉलो कर सकते हो, और यहां पे क्या कर सकते हो, कोई भी डाउट है तो आप हमें भेज सकते हैं इसी हैंडल के ऊपर, लिंकिंग लॉस के। दैट्स इट फॉर टुडे, और अगर कोई इसके अंदर और कोई समस्या आए तो जल्दी से बताना, अनअकैडमी की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो अगर आप नए लर्नर्स हो तो, है ना। और यहां पे मेरा प्रोफाइल लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, और सीधा अनअकैडमी पे नाम सर्च करोगे तो भी मिल जाएगा। यहाँ पे 2:30 बजे क्लास होगी, और यहाँ पे लिंक ये दे रखा है मैंने, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके देखो और यहाँ पे आ जाओ, 2:30 बजे क्लास होगी, इसके आगे की क्लास वहीं पे होने वाली, अभी जाके एनरोल कर लो और लंच ब्रेक ले लो। लंच ब्रेक के बाद में 20 मिनट में हम लोग मिलने वाले हैं वापस। कब मिलने वाले हम लोग, वी आर जस्ट मीटिंग इन द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स, ठीक है। और अगर आपको इस वीडियो में कोई भी इनअप्रोप्रिएट कंटेंट लगता है आप रिपोर्ट कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कहीं एक गूगल फॉर्म भी दे रखा है, उसको फिल करके आप जो है रिपोर्ट कर पाएंगे पर्टिकुलर इशू को, यू विल बी एबल टू क्लेम द प्राइस, दैट्स अ बग्स बाउंटी प्रोग्राम। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन एंड वॉचिंग इट लाइव, सी यू एट 2:30, राइट। चलिए सो मिलते हैं वापस 2:30 बजे लाइव अनअकैडमी एप्लीकेशन पे, ठीक है। कौन कौन आ रहा है जल्दी से लिख के बता दो, कौन कौन यहाँ पे आ रहा है 2:30 बजे वाली क्लास में लिख के बता दो, और उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ठीक है दोस्तों। सी यू लाइव एट अनअकैडमी, थैंक यू क्लास, जय हिंद।